किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, और उसके कंजर्व होने के लिए कंडीशन ये है कि उस पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो. ठीक है, दैट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस टुडे. हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस के ऊपर लेट अस स्टार्ट. जी बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. ओके, दिस इज ए मई जून 2013 पेपर 23. मई जून 2013 का पेपर 23. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट सेज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Is the principle of conservation of momentum? Anyone? What was the definition of principle of conservation of momentum? The momentum of a system is always conserved provided that there is no external force. बिल्कुल सही है. किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है अगर उसमें किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो. ठीक है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इस क्वेश्चन को देख के हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में कोलिजन्स दो किस्मों की होती है. देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ कोलिजन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते जाते हैं और साथ साथ थोड़ा पढ़ते भी हैं. लेट अस ऑल्सो डिस्कस दी टाइप्स ऑफ कोलिजन. दो किस्म की हमारे पास बेसिक कोलिजन होती हैं, जिसमें से एक कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी होती है इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन को हम कभी कभार नॉन इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं. अच्छा, नॉन इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें से एक होती है हमारे पास इन इलास्टिक, जो सिंपल होती है. ठीक है, सिंपल इन इलास्टिक कोलिजन. और जो दूसरी होती है दैट इज परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, या कभी कभार हम इसको प्लास्टिक कोलिजन का नाम भी देते हैं. ठीक है जी, तो इलास्टिक कोलिजन सिंपल और इन इलास्टिक कोलिजन की दो किस्में होती है. एक सिंपल इन इलास्टिक कोलिजन होती है और एक और होती है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको हम कभी कभार नाम देते हैं प्लास्टिक कोलिजन का. ठीक है, प्लास्टिक कोलिजन में या परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में बोथ ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर. ठीक है,
ठीक है। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में या प्लास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के एक साथ चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा है कि वो कह रहा है कि डिस्कस व्हाट इज प्लास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, या दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने इस उस क्वेश्चन से ही हमें पता चला है कि हमारे पास दो किस्म की कोलिजन्स हैं, एक होती है इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन की दो किस्में होती हैं, दो किस्मों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक किस्म होती है सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन और एक होती है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, जिसको हम कभी कभार प्लास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। इसको प्लास्टिक कोलिजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, एनीवन? नहीं सर। अच्छा, तो लेट अस स्टार्ट के व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये सब की सब क्या होती हैं, आर ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि जो पहले होती है वो किसके बराबर होती है, आफ्टर के या फाइनल के, यानी जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल के बराबर होगा, जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल के बराबर होगी, जो भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी, ठीक है, वो बराबर होगी इनिशियल फाइनल के बराबर होगी, ओके। ये इलास्टिक कोलिजन की खसूसियत होती है। और इसमें एक चीज और होती है, इसमें हम ये कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन भी इलास्टिक कोलिजन में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें अब हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है जी। कोई सवाल किसी ने पूछना है? एनीवन? अहमद, माज, रहीम, नुमान, वरिशा, अब्बास, चांदनी, शिबला, आयशा, हाजरा बेटा, किसी ने कोई सवाल करना है? अब्दुल्ला, अली सर, जो हमने क्लास में पढ़ा था कोलिजन वो इलास्टिक वाले था? उसमें हमने अभी चेक नहीं किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। आज जो क्लास में पढ़ा था वो, आज क्लास कब हुई थी भाई? नहीं, आज नहीं, कल वाली क्लास। हाँ नहीं, कल वाली क्लास में देखते हैं, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने उसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन निकाली नहीं थी उसकी, इससे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कोलिजन्स जो इफेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इलास्टिक कोलिजन की होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन देखिएगा, हमारे पास एक बॉल है जो कि 6 meters per second से चलती हुई जा रही है और इसका मास कितना है, 2 kilograms, ठीक है। ये बॉल जाके एक और बॉल से टकराई, ठीक है, जिसका मास था 3 kilograms
ठीक है, या इसका मास भी लेट से सेम कर देते हैं, 2 किलोग्राम्स था और इसकी स्पीड थी 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों ने कोलिजन किया, हो गया दैट इज बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन। अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, इस बॉल का लेट्स कॉल दिस ए, दिस बॉल दिस बी, तो ए का जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना था, 6 × 2 = 12 kgms-1, या हम कभी कभार इसको न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। इसी तरीके से बॉल बी का जो मोमेंटम था इनिशियल, दैट इज 2 × 2 = 4 kgms-1 न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका जो यूनिट लिखना चाहें, दोनों यूनिट्स हो सकते हैं। न्यूटन सेकंड में ड्राइव यूनिट है और kgms-1 में सारे के सारे बेसिक यूनिट्स। ठीक है, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था, 12 + 4 = 16 kgms-1। ओके, ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम था। बोथ बॉल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही थी। जब भी मैंने दोनों के मोमेंटम को प्लस में लिया है तो 16 आया है। अगर एक बॉल उल्टी डायरेक्शन में होती तो हम उसके मोमेंटम को कैसा लेते, माइनस में लेते। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हम कहेंगे बॉल ए इज अप्रोचिंग बॉल बी। बॉल ए बॉल बी को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही है, और दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं। बोथ बॉल्स आर मूविंग। तो इस केस में अगर आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कभी कभार कह सकते हैं, वी आर या आर वी, ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। हम अपना आंसर हमेशा कैसा रखना चाहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का प्लस, स्पीड कह रहा हूं मैं जब भी वर्ड, आंसर में प्लस में रखना चाहता हूं हमेशा। प्लस में रखने के लिए मैं हमेशा हाई वैल्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, लो वैल्यू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे होगी 6 - 2 जो कि VB है, B की वेलोसिटी है, और ये आपके पास कितनी आएगी, 4 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। यानी इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, या बॉल A बॉल B को किस स्पीड से अप्रोच कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इसको अप्रोच कर रही है। एनी क्वेश्चन एनीवन, किसी को कोई सवाल पूछना है इसमें? किसी को क्या चीज है, क्या चीज वेलोसिटी तो 6 है ए की, लेकिन वो बी को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है। एक्चुअली में जब बॉल ए 6 से चलती है और बॉल बी खुद भी 2 से चल रही है, तो बॉल बी को बॉल ए अपनी तरफ आते हुए किस वेलोसिटी से मिलेगी, 4 से, क्योंकि जब ये वहां पे पहुंचती है जहां पे बॉल बी खड़ी हुई थी, तो जब ए वहां पे पहुंचती है तो उसी दौरान में बी वहां रुकी नहीं रहती, बल्कि बी भी आगे निकल जाती है। इसलिए हम फिर इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के थ्रू जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, एनीवन एल्स? सर, ये रिलेटिव वेलोसिटी ए बोलेंगे या सिस्टम बोलेंगे, क्या चीज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, देखो अप्रोच किसको कौन कर रहा है, ए बी को अप्रोच कर रहा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अप्रोचिंग बी, तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही होगी, सिस्टम की बात हो रही होगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, किसी ने कोई सवाल और पूछना है?
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? नहीं सर। अच्छा जी, तो यहां तक की बात हो गई हमारे पास। अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया ये? शैल आई मूव फॉरवर्ड? जी शैल आई मूव फॉरवर्ड बच्चों? जी सर। अच्छा जी, तो यहां तक हमारे पास ये कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, हमने क्या देखा कि बॉल बी टकराने के बाद किस वेलोसिटी से चलना शुरू हो गई? 6 मीटर पर सेकंड से। कौन सी बॉल? बी। ठीक है, मास इसका वही 2 किलोग्राम्स है। ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होके कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से बॉल ए, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड टकराने के बाद, और इसका मास भी कितना है? 2 किलोग्राम्स। तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में 6 से चेंज होके किस में आ गई? 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, और इसका रीजन ये है कि दोनों के मासेस यहाँ पे सेम है। अब एक्चुअली में मासेस दो ऑब्जेक्ट्स के सेम होते हैं ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सिंपली एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, बट यू नो नीड टू रट्टा दीज थिंग्स के मास सेम है तो होगी नहीं होगी, नो, जस्ट मेक अ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, रट्टा मानने की जरूरत नहीं है इन चीजों। अब अगर मैं इस वक्त बॉल ए का मोमेंटम निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और बी का मोमेंटम मेरे पास कितना हो जाएगा? 12। तो सिंपली अगर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, both moving in same direction. तो अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा वो ऑब्वियसली सिंपली एड करके करेंगे, क्योंकि दोनों के मोमेंटम पॉजिटिव होंगे। 12 + 4 किसके बराबर होगा? 16 kgms-1। यानी इसमें आपके पास मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। मोमेंटम पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो सिस्टम का मोमेंटम पहले था वही बाद में। आगे चलते सर, अगर ये मोमेंटम जो शुरू में और आखिर में जो सेम है, अगर ये सेम ना हो, फॉर एग्जांपल अगर 16 इनिशियल था तो फाइनल 15 हो या 17 हो, ऐसा कुछ, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स आ रही है उसमें। बिल्कुल, अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज हुआ है तो यकीनन फिर कोई ना कोई क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमें रेसिस्टेशन पे जाना पड़ेगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा सही। अच्छा, इसके बाद अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वक्त बोथ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टकराने के बाद क्या हुए हैं? सेपरेट हुए। ठीक है, तो यहां पे हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। दोनों बिछड़ गए, ठीक है, टकराने के बाद, तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम वी बी में से वी ए को माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड पॉजिटिव में होती है हमेशा, तो ये वी आर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी 6 - 2 अगेन 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी? 4, और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी कितनी है? 4। तो इसका मतलब है कि इस कोलिजन को मैं क्या कहूंगा? ये कैसी कोलिजन है? कैसी कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। अगर आप चाहें तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बिफोर एंड आफ्टर सेम होगी। ठीक है,
अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकालना चाहें तो लेट से 1/2 एम हमारे पास 2 है और 6 स्क्वायर, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ए, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, 1/2 एम पी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, लिख देता हूं ऊपर, और मास इसका 2 है और वेलोसिटी 6 है, तो एक्चुअली में दिस विल बी सिंपली काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है 36 जूल्स। जबकि अगर मैं बी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 2 × 2 स्क्वायर, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4। ठीक है, दिस विल बी सिंपली 4 जूल्स। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टोटल के ई ऑफ सिस्टम, ये बराबर होगी 36 + 4 = 40, ये इनिशियल है। इसी तरीके से अगर आप फाइनल निकालें तो ए के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 2 × 2 स्क्वायर विच इज 4 जूल्स, और बी के लिए कितनी हो जाएगी 1/2 2 × 6, तो ये हो जाएगी 36 जूल्स। यानी अगर हम इनका सम करें तो वो दोबारा कितने के बराबर आएगा, टोटल के ई आफ्टर ये आएगी आपके पास 40 जूल्स। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बिफोर एंड आफ्टर सेम होगी, कंजर्व होगी, इसलिए हम इस कोलिजन को क्या नाम देंगे, वी विल कॉल इट इलास्टिक कोलिजन। ओके जी, इलास्टिक कोलिजन कहें। क्लियर हो गया यहां तक, कॉपी हो गया ये जी सर? सर अगर हम, इसका मतलब ये होगा कि 3-4 चीजों से हमें पता चल सकता है कि ये इलास्टिक कोलिजन है या नहीं, जैसे एक ही चीज से पता चल जाएगा, या तो हम काइनेटिक एनर्जी से चेक कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम है तो इलास्टिक कोलिजन है, या दूसरी चीज हम किससे चेक करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से। मैं भी बताता हूँ इसको भी और ये क्लियर हो जाएगा। कॉपी अगर हो गया है तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन ये वही दोनों बॉल्स है 2 kg 6 m/s, ठीक है, और ये बॉल ए है, ये वही बॉल बी है, नो एक्सटर्नल फोर्स है अभी भी सिस्टम में। ठीक है, ये बॉल 2 kg की है बी, और किससे चल रही है 2 m/s से चल रही है। ओके अच्छा जी, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, इस वाली बॉल ए का कितना है, ऑब्वियसली 6 × 2 = 12 kgms-1, और पी बी आपके पास कितना है 4 kgms-1, तो टोटल आपके पास कितना है पी टोटल इज इक्वल्स टू 16 kgms-1। ओके जी, ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। Now which we are saying this is collision is inelastic. Now what will happen? Please, external force नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि momentum conserve होगा। ठीक है, after collision हमने क्या देखा? ठीक है जी, what we see after collision, that after collision the ball B is moving with the speed of 5 m/s. कितनी speed से चल रही है? 5 m/s से चल रही है, जबकि बॉल ए किस स्पीड से चल रही है, दैट इज इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 m/s। कितनी स्पीड से चल रही है? 3 m/s। ओके, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, बॉल, हाँ दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पी ए निकालिए, तो पी ए बराबर होगा 2 × 3 = 2 × 3 = 6 kgms-1,
और आपके पास अगर मैं बोलूं बी निकालिए तो बी बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 केजी एमएस माइनस 1, यानी कि आपके पास जो 10 केजी एमएस माइनस 1 है इसको जब आप 6 में ऐड करोगे तो टोटल मोमेंटम आपको कितना मिलेगा, 16 केजी एमएस माइनस 1। तो बताइए कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा, बेशक कोलिजन इलास्टिक या इनइलास्टिक हो, ठीक है, बेशक इलास्टिक या इनइलास्टिक। ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस आपको बता देता हूं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में। सिमिलैरिटी क्या है, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ये दोनों कोलिजन्स की बात करो, इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में टोटल इनर्जी, इलास्टिक से समझ में नहीं आया, ठीक है, टोटल इनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी दोनों में, इलास्टिक में भी और इनइलास्टिक में। डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है, इलास्टिक में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच नॉट सेम, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होती है, जबकि इन इलास्टिक में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम नहीं होती। और सेकंड, के ई इज नॉट सेम, यानी आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं होती, जबकि इलास्टिक में बिफोर एंड आफ्टर सेम होती है। मैं भी ये पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी समझ आ जाएंगे आपको। तो इलास्टिक कोलिजन में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, देखो मोमेंटम कंजर्व होने ना होने का ताल्लुक कोलिजन की टाइप से नहीं होता, मोमेंटम के कंजर्व होने या ना होने का ताल्लुक आपके पास एक्सटर्नल फोर्स से होता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में काम नहीं कर रहा है तो मोमेंटम तो हर हाल में क्या होगा, कंजर्व होगा, बेशक वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व होगा और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता, नो, मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है, बस शर्त उसके लिए क्या होनी चाहिए कि क्या ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर वाले में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालूं तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दैट इज 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालू, ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालूंगा तो इस केस में क्या होगा बच्चों, मुझे वी आर के लिए बड़ी में से छोटी वैल्यू को फिर माइनस करते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव आए, 5 माइनस 3 क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ज्यादा थी और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, ऑल्दो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ठीक है, नहीं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकलती है रियाज तो हमेशा दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके निकाली जाती है। When you are finding the relative velocity of both two objects, we will subtract their velocities. Okay, Riyaz? Is that clear? Relative velocity का क्या formula है Riyaz? Vr is equals to Va minus Vb. यानी एक की velocity में से दूसरे की velocity को क्या करोगे तुम लोग? माइनस करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर अब दूसरे की वेलोसिटी ही नेगेटिव में हो तो फिर वो माइनस माइनस होके क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है।
we will see that case as well. अच्छा जी, तो क्या relative velocity of approach और separation same है? No, which means this is a inelastic collision. दूसरी चीज भी हम कर सकते हैं, we can also check the kinetic energy. हम kinetic energy को भी check कर सकते हैं. Let's check out the kinetic energy. Kinetic energy भी same नहीं आएगी. पहले वाले A की जो kinetic energy है, ये बराबर होगी 1/2 into 6 square के, जो कि किसके बराबर आएगी 36 के, ठीक है? और दूसरे वाले की kinetic energy बराबर होगी initial, that is 1/2 into 2 square, which is equals to 4. यानी total initial कितनी है? 36 plus 4 is equals to 40 joules. अगर मैं after की kinetic energy निकालू, तो इसकी kinetic energy होगी 1/2 into 3 square, which is equals to ke is equals to 9 joules. 2 cancel हो जाएगा, 3 का square 9 होता है, ठीक है जी? और अब जब हम इसकी kinetic energy निकालेंगे, तो ये बराबर होगी 1/2 इसका mass है और 5 square, which will be 25 joules. और अगर हम total निकालना चाह रहे हैं, तो total के लिए 25 plus 9 किया जाएगा. तो 25 plus 9 किसके बराबर होगा? जी, किसके बराबर होगा? 34 joules के. जो के 40 joules से क्या है? कम है. इसका मतलब ये है कि kinetic energy before and after भी same नहीं आ रही. इसका मतलब यह है कि यह कोलिजन कैसी है? इनइलास्टिक कोलिजन है. मैं एक दफा बड़े क्लियर वर्ड्स में दोबारा से रिपीट करता हूं, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है. मोमेंटम कंजर्व होने या ना होने की जो शर्त है, वो सिर्फ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस. कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा अगर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. और अगर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी? सिस्टम की कंजर्व होगी. ये कहने को और सुनने को की अभी बात है सिर्फ, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी पावर अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें एनर्जी की कंजर्वेशन अभी प्रूफ करनी आती नहीं है. वी विल डू दैट व्हेन वी विल स्टडी वर्क एनर्जी. इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में मेजर फर्क क्या है? इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की बिफोर कोलिजन होती है, वही आफ्टर कोलिजन होती है. जबकि इन इलास्टिक में जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है, वो बराबर नहीं होती किसके? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल के. सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम मीन्स टोटल, ये बराबर नहीं होता. सेकंड डिफरेंस क्या होता है इलास्टिक और इनइलास्टिक में? तो इलास्टिक कोलिजन में हमेशा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, जिस स्पीड से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, उसी स्पीड से वो सेपरेट भी होते हैं. यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होता है. जबकि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होता है, ये डिफरेंट होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए. सर वो डिफरेंसेस आई स्लाइड पे चले आएंगे आप? सिमिलैरिटी किन चीजों में होती है? मोमेंटम और टोटल एनर्जी में. और डिफरेंसेस किस में होते हैं? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी. इलास्टिक में सेम रहती है, जबकि इनइलास्टिक में दोनों ये चीजें डिफरेंस वाली चेंज हो जाती है. ओके, तो ये आपने अभी क्या बात रिपीट करी? मैंने ये बात की कि बेटा मोमेंटम दोनों केसेस में सेम रहते हैं, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लेकिन चेंज किस चीज में होता है दोनों में?
रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन में इलास्टिक में सेम रहती है जबकि इन इलास्टिक में सेम नहीं रहती, और काइनेटिक एनर्जी में भी दोनों में डिफरेंस होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में सेम होती है और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होती, यानी बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं होती। कुरतुलैन है यहाँ पे, सर पिछली वो दिखाते हैं जरा स्क्रीन पिछली साइड, ये लीजिए जी बच्चों, हो गया। सर आपने यही बताया था ना कि जब इनइलास्टिक होती है तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल जो होती हैं वो साथ साथ अटैक होकर चलती हैं आगे। नहीं, वो मैंने परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात की। परफेक्ट इनइलास्टिक, ये वाली सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन। कॉपी हो गया बच्चों ये? सर ऐसा हो सकता है कि एक बॉल जो है वो कोलिजन के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाए फिर वो दूसरी वाली आगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जी कॉपी हो गया बच्चों? जी हो गया सर। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस होता है? इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होती है जबकि इन इलास्टिक में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन डिफरेंट होती है। या तो आप ये लिख सकते हैं या आंसर में ये भी लिख सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व व्हाइल इन इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। वॉट एवर यू फील बेटर यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास 4.2 किलोग्राम्स and horizontal velocity 3.6 move towards an object B as shown in figure 3.1. Object B of mass 1.5 move with a horizontal speed of 1.2 meter per second towards A. The both object collides and then move to the right as shown in figure. टकराने के बाद ball A V की speed से right side पे जा रही है जबकि बॉल बी जो कि पहले लेफ्ट साइड पे जा रही थी वो टकराने के बाद राइट साइड पे 3 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ऑब्जेक्ट ए हैज अ वेलोसिटी ऑफ वी, ऑब्जेक्ट बी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। वी कैन सी दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम, सो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ Let us find out the initial momentum of the system, which can be simply found. हम क्या करेंगे? PA निकालेंगे, which is 4.2 multiplied by 3.6. What is the momentum of A? 4.2 multiplied by 3.6. G. 15.12.
15.12 kg ms minus 1. Now let's talk about the momentum of B. Momentum of B, that is 1.5 into minus 1.2. Why it is minus 1.2? The direction. Opposite direction. बिल्कुल सही. क्योंकि velocity opposite direction में है, तो हमने इसके साथ minus का sign लगाया. ठीक है. So this minus sign is due to opposite direction. What is the momentum of B? B. Minus 1.8 kg ms minus 1. Can we find out the total momentum? What is the total momentum? That is PA plus PB. So, ye hoga actually mein P total is equals to 15.12 plus minus 1.8. So, which is equals to 13.32 kg ms minus 1. So this is the total momentum of the system, 13.32 before collision. Now after collision, both objects moving in same direction towards right. So A ka momentum kiske barabar hoga? 4.2 V ke. Aur B ka jo momentum hai, wo kiske barabar hoga? 1.5 into 3. Achha, yaha pe ab main kyun aapke iske paas plus ka sign nahi laga raha hoon? Kyunki ye kis side pe ja raha hai? Over direction. Bilkul sahi. तो ये कितना आ रहा है 4.5 yes. 4.5 ठीक है ये B का यानी हम करेंगे टोटल इनिशियल को इक्वेट कर देंगे टोटल फाइनल के साथ इनिशियल मोमेंटम है 13.32 और फाइनल मोमेंटम है हमारे पास 4.2 V प्लस 4.5 तो पहले तो हमें 13.32 में से माइनस करना पड़ेगा 4.5 जो कि उधर जाएगा और फिर उसके बाद हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से तो 13.232 सॉरी 8.82 आ रहा है 8.82 इज इक्वल टू 4.2 वी है हां तो उसको डिवाइड भी कर दो क्या आ रहा है वैसे बताओ 2.1 आ रहा है फाइनल 4.2 वी यानी वी अब बराबर हो जाएगा 8.82 डिवाइडेड बाय 4.2 आंसर आ रहा है v = 2.1 मीटर पर सेकंड यानी ये v कितना होगा 2.1 मीटर पर सेकंड एनी क्वेश्चन साहब ने क्वेश्चन बड़े आसान है आप लोग देखें बहुत इजी से हैं बस थोड़ी थोड़ी चीजों का ख्याल रखना है इनिशियल मोमेंटम को फाइनल के ऊपर रखना है और सवाल को सॉल्व करते हुए नजर में ये चीज रखनी है कि कहीं दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम है या अपोजिट है बस इस चीज का ध्यान रखना ठीक है आगे चले भाई बुकलेट मैंने दे दी है फैजान को प्रिंट होने बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिल जाएगी इसको मिटा दूं पूरे को नहीं नहीं एक मिनट छापे छापे मैं पे नीचे जा रहा हूँ आपने ये लिखा हुआ नजर आता रहेगा आपको अगली बात उसने ये बोली है डिटरमाइन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक सर वही करेंगे क्या ये सर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इट्स योर चॉइस आपकी मर्जी है कि आप काइनेटिक एनर्जी से प्रूफ करें या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच या सेपरेशन से करें इट इज टोटली अप टू यू ठीक है मैं लेट्स से इस सवाल को रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से अगर करूं तो कैसे करूंगा ठीक है कॉपी हो जाए बता दीजिएगा मैं इसको लास्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं हो गया कॉपी जी सर हो गया ठीक है लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालने जा रहा हूं ठीक है अच्छा अप्रोच कैसे निकलेगी बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस करना होगा यानी हमारे पास बड़ी स्पीड है VA माइनस VB अब बड़ा ध्यान से जरा इस चीज को देखना VA कितना है 3.6 और VB कितना है माइनस 1.2 ठीक है तो ये माइनस माइनस प्लस होके रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा
4.8 meters per second. Is that clear? Yes. Now let's talk about relative speed of separation. V, by the way, हमारे पास कितना आया? V की value कितनी आई है? 2.1. ठीक है. तो relative speed of separation हमें निकालनी है. तो separation में फिर हम बड़ी से छोटी को minus करेंगे, यानी V भी minus V कर देंगे इस दफा. 0.9. ठीक है. V भी आ रहा है 3 minus 2.1. क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस दफा मैंने माइनस साइन नहीं लगाया. तो वी आर किसके बराबर हो जाएगा? 0.9 के. ठीक है. अब बताओ कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट 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 है. अच्छा, अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये कोलिजन कैसी है? इनइलास्टिक. आपका होमवर्क ये है कि जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ये मैंने स्पीड लिख दी है वी ए की. आप लोग होमवर्क में ये कीजिएगा कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर निकालिएगा. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में क्या खास बात है कि जब ये 1.2 का स्क्वायर लोगे तो माइनस 1.2 का, तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो एनर्जीज ऐड ही होंगी, माइनस नहीं होंगी एनर्जीज. ओके, एनर्जीज ऐड ही होंगी, माइनस नहीं होंगी. तो सिंपली ये करना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, दोनों को ऐड करना, फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, ऐड करना. और जब चेक करोगे कि दोनों की एनर्जीज क्या आ रही होंगी, डिफरेंट आ रही होंगी. इनिशियल अलग आ रही होगी, फाइनल अलग आ रही होगी. तो इसका भी मतलब है कि कोलिजन कैसी है? इनइलास्टिक है. यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर भी क्या है? सेम नहीं रही है. इज दैट क्लियर? जी, हो जाएगी ये चीज? वालेकुम सलाम. जी हो जाएगी. ठीक है, चले यहाँ रोके. फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछते. एनी क्वेश्चंस? नो सर. चले ठीक. ओके भाई, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.